Hello everyone. In previous video we have discussed about significant figure, and in this video I am going to discuss about laws of chemical combinations. Laws of chemical combination. A brief discussion you have already done in class 9th, but in this class we will discuss these laws in detail. In laws of chemical combination, the first law that we will have to study today is that is law of conservation of mass. Law of conservation of mass. What is law of conservation of mass? According to law of conservation of mass, first take a general depiction of this law. ठीक है बेटा, आपके पास कोई भी physical या chemical change हो रहा है, suppose physical है, कोई भी chemical change है, और A plus B is converting into D plus C plus D. ठीक है, कोई भी physical state है, whatever it is, कुछ भी है, कुछ भी है, आपके पास ये reaction हो रही है, आपके पास ये reaction हो रही है. Law of conservation of mass क्या कहता है कि जब आपने reaction start करी थी, जब आपने reaction start करी थी तो आपके पास reactant कितना है, और जो आपने reaction complete होने के बाद जो आपके पास product बन के आया वो कितना है. ठीक है, इसके बारे में explain किया किसने बेटा, law of conservation of mass ने. किसने? law of conservation of mass ने. तो क्या कहता है law of conservation of mass, कि हमने A लिया था 4 ग्राम, A लिया था 4 ग्राम, B लिया था अपन ने 6 ग्राम. कितने ग्राम बेटा? 6 ग्राम. ठीक है, तो ये तो श्योर है कि C प्लस D हमेशा कितना बनेगा बेटा? 10 ग्राम बनेगा. C एंड D हमेशा कितना बनेगा बेटा? 10 ग्राम बनेगा ही बनेगा. इसको कोई रोक ही नहीं सकता, इसको कोई रोक नहीं सकता. अगेन बेटा, आपने C कितना लिया? C प्लस D आपके पास 10 ग्राम बनेगा. यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिफाइन कैसे करेंगे, कि रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड का जो मास है वो इक्वल रहने वाला है. रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड का मास क्या रहने वाला है बेटा? इक्वल रहने वाला है. ये मास चेंज नहीं हो सकता, ये मास चेंज नहीं हो सकता. ठीक है, मान लो किसी ने आपको कह दिया कि सी का मास तो जी 2 ग्राम ऑब्टेन हुआ है, तो कॉमन सेंस है डी का मास 8 ग्राम ऑब्टेन हुआ होगा. डी का मास क्या हुआ? ऑब्टेन हुआ होगा बेटा 8 ग्राम ऑब्टेन हुआ होगा. ठीक है, तो ये कौन सा लॉ है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और ये हर रिएक्शन फॉलो करती ही करती है बेटा. ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब ये है, हम रिएक्शन को बैलेंस इसलिए करते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे. किसको फॉलो करे बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे. ए प्लस बी, अगर ये 3 ग्राम है, ये 7 ग्राम है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा. ठीक है, ये अपने पास कितने ग्राम ऑब्टेन होने वाला है? ये अपने पास ऑब्टेन होने वाला है 10 ग्राम ऑब्टेन होने वाला है. ठीक है, तो यहाँ से अपन किसको डिफाइन कर सकते हैं? यहाँ से अपन डिफाइन कर सकते हैं बेटा, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिफाइन करते हैं इसी जनरल फॉर्म से. इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है बेटा? ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी सेम. Will be same. ये क्या होगा बेटा? Same होगा. ये कहीं ना कहीं वही बात है. Matter cannot be constructed nor be destroyed. आपको matter को construct या destroy नहीं कर सकते. आप अपनी मर्जी से mass को बढ़ा नहीं सकते. जितना है उतना ही मिलेगा, ना कम मिलेगा ना ज्यादा मिलेगा. ये कौन सा law है? ये है law of conservation of mass. ये कौन सा law है? ये है law of conservation of mass, जो क्या कहता है? Reactant side and product side mass क्या रहने वाला है बेटा? Same रहने वाला है. क्या रहने वाला है बेटा? सेम रहने वाला है. ठीक है, अगर मैं इसको किसी क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछ लूं, कैसे?
आपने रिएक्शन की किसकी की बेटा, एक तो कि आपने AgNO3 की NaCl के साथ रिएक्शन की, किसके साथ की बेटा, NaCl के साथ रिएक्शन की, AgNO3 की NaCl के साथ आपने रिएक्शन की, आपके पास बना AgCl plus NaNO3, क्या बना बेटा, AgCl plus NaNO3, गेटिंग डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपके पास एक करेक्शन है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो AgNO3 है वो 4 ग्राम है, कितने ग्राम है, 4 ग्राम है। AgCl आपको ऑब्टेन हो रहा है 10 ग्राम, कितने ग्राम ऑब्टेन हो रहा है, 10 ग्राम। NaNO3 आपको ऑब्टेन हो रहा है बेटा 3 ग्राम, कितने ग्राम ऑब्टेन हो रहा है, 3 ग्राम। कोई मुझे ये प्राणी ये बता सकता है कि मैंने NaCl कितना लिया, मैंने NaCl कितना लिया, ठीक है। तो इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपन को क्या करना है, कुछ नहीं, रामबाण इलाज पढ़ना है, ठीक है। रिएक्टेंट साइड का जो मास है उसको प्रोडक्ट साइड के इक्वल कर देना है, तो ये हमें पता ही नहीं है कितना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 4 + x इज इक्वल टू 10 ग्राम + 3 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ग्राम भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बनेगा ये बेटा, ठीक है, x कैसे निकालोगे, 13 ग्राम माइनस 4 ग्राम, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 9 ग्राम आ जाएगी, ठीक है। तो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या करना है, बोथ साइड का मास एनी हाउ क्या करना है बेटा, इक्वल करना है, बोथ साइड का मास एनी हाउ क्या करना है बेटा, इक्वल करना है, ठीक है। तो ये कौन सा मास है बेटा, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये कौन सा लॉ है, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लैंडलॉर्ड ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था इस लॉ को वेरीफाई करने के लिए, तो हल्का सा बता देता हूं। तो उसने कुछ एक ट्यूब, इस तरह की ट्यूब ली थी एक, अब मेरे को ये इसका, बेटा जी इसमें उसने AgNO3 ले लिया और इसने उसमें NaCl ले लिया, क्या ले लिया बेटा, NaCl ले लिया, ट्यूब को पहले वेट कर लिया, इसमें क्या ले लिया, AgNO3 ले लिया, इसमें क्या ले लिया बेटा, NaCl ले लिया, क्या ले लिया, NaCl ले लिया, ठीक है। और इस जो है उसने इन्वर्टेड ट्यूब को क्या कर लिया बेटा, वे कर लिया, अभी कुछ भी ग्राम आया होगा वे कर लिया, ठीक है। वे करने के बाद उसने क्या किया, ठीक है, पहले उसने खाली को भी वे किया होगा, फिर उसके बाद इसको भर के वे कर लिया, क्या कर लिया बेटा, एक साइड में AgNO3, एक साइड में NaCl, ठीक है। फिर उसने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, AgNO3 जो इनिशियली मिक्स्ड नहीं थे बाद में उनको क्या कर दिया बेटा, मिक्स कर दिया। जैसे ही वो मिक्स हुए ये रिएक्शन हुई। अब वो ये कंफर्म करना चाहता था कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो सही है या गलत है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सही है या गलत है। बेटा जब मिक्स नहीं किए थे तब भी मास उतना ही था जितना मिक्स करने के बाद आया, जितना मिक्स करने के बाद आया, यानी कि जो मास है या मैटर है उसको कंस्ट्रक्ट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मास हमेशा रिएक्टेंट साइड का एंड प्रोडक्ट साइड का क्या रहने वाला है, मास हमेशा रिएक्टेंट साइड का एंड प्रोडक्ट साइड का एग्जैक्टली सेम रहने वाला है। ये कहता था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कौन सा बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये किसका एक्सपेरिमेंट था बेटा, ये लैंडलॉर्ड्स का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट्स की इतने डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट इज आपको क्या पता लगाना है कि रिएक्टेंट साइड का जो मास है वो प्रोडक्ट साइड के मास के एग्जैक्टली क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए। ये कौन सा मास है बेटा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। चलो आगे डिस्कस करते हैं बेटा, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन,
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। कौन सा लॉ बेटा? डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब ये कैसा लॉ है, ठीक है? तो इस लॉ को समझने के लिए मैं जनरल एग्जांपल लेता हूँ पहले, फिर मैं इस लॉ की थ्योरी को एक्सप्लेन करूँगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है। बेटा को मेरे पास वाटर ऑब्टेन हुआ, मेरे पास वाटर है, ठीक है? अब इस वाटर के सोर्स इनफाइनाइट हो सकते हैं। इस वाटर के सोर्स क्या हो सकते हैं बेटा? इनफाइनाइट हो सकते हैं। ये वाटर आपके घर का वाटर हो सकता है, ये किसी केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस्ड वाटर हो सकता है, ये इलेक्ट्रोलिसिस से ऑब्टेन वाटर हो सकता है, ये बारिश का पानी हो सकता है, ठीक है? ये सीवेज वाटर हो सकता है। यानी कि ये जो वाटर है हमारे पास कहीं से भी आए, ये वाटर हमारे पास कहीं से भी आए, इसमें जो एलिमेंट्स की कंपोजिशन है बाय मास, एलिमेंट्स की जो कंपोजिशन है बाय मास वो फिक्स रहने वाली है। बेटा वाटर कहीं से भी आपके पास अटेन हो रहा है, ठीक है? आइदर फ्रॉम एनी केमिकल रिएक्शन और दिस इज योर पोर्टेबल वाटर और दिस इज अ टैप वाटर और दिस इज अ डिस्टिल्ड वाटर और दिस इज अ रेन वाटर, कहीं से भी वाटर अटेनेबल है, कहीं से भी वाटर अटेनेबल है, ठीक है? तो उसके एलिमेंट्स की कंपोजिशन सेम रहने वाली है बाय मास। वो कैसे बेटा? कभी भी ध्यान देना, जो मास है, ठीक है, हम यू की फॉर्म में लिख रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट में ग्राम में कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है? तो मास है, ठीक है, तो कुछ एक एलिमेंट्स का तो आपको याद होता ही है, ठीक है? हाइड्रोजन का होता है 1U, ठीक है? ऑक्सीजन का होता है 16U, कितना यू बेटा? 16U, ठीक है? साइमल्टेनियसली कार्बन का होता है 12U, कितने यू? 12U। नाइट्रोजन का होता है 14U, कितने यू? 14U, ठीक है? तो ये मास है जो एलिमेंट्स के। अब ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में कैसे एक्सप्लेन करने, अपने इधर देखो ध्यान से, ठीक है? हाइड्रोजन का एक एटम का जो मास है, ठीक है, वो रिलेटिवली अपन ने डिस्कस कर रखा है 1U, ठीक है? तो ये कितना हो गया बेटा? 2U। और ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16U। कितना यू हो गया बेटा? 16U। ये लॉ क्या कहता है? वाटर जहां से मर्जी आए, वाटर जहां से मर्जी आए, इसमें एलिमेंट्स, वाटर में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? वाटर में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। वाटर जहां से मर्जी आए उसमें जो एलिमेंट्स हैं, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसकी जो रेशियो है, उन एलिमेंट्स के मास की रेशियो है, उन एलिमेंट्स के मास की रेशियो है, वाटर जहां से मर्जी आए वो फिक्स रहनी ही चाहिए, दैट्स इट। वो फिक्स क्या है बेटा? हमेशा आपके रहनी ही चाहिए, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है? ये तो लॉ है और ये हर कंपाउंड को फॉलो करना पड़ेगा, ये हर कंपाउंड को फॉलो करना पड़ेगा। कैसे? ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन कितना है? टोटल मास तो अपन को पता हो गया, कितना आ गया बेटा? 18U आ गया। कितने यू आ गया? 18U आ गया। अब मैं अगर इसमें हाइड्रोजन की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? हाइड्रोजन की बात करूं, तो हाइड्रोजन इसमें है 1U, एक हाइड्रोजन है ना, ठीक है? और ऑक्सीजन कितना है इसमें बेटा? ऑक्सीजन कितना है इसमें? सॉरी, टोटल हाइड्रोजन का मास कितना हो गया? 2U। दो हाइड्रोजन है तो टोटल कितने हो गए? 2U, ठीक है? हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन की रेशियो देखो, ठीक है, ये कितनी आ गई बेटा? 16U। कितनी आ गई बेटा? 16U, ठीक है? हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन की जो रेशियो आई वो कितनी आई? 2/16, ठीक है? तो यानी कि जो फिक्स्ड रेशियो है, कौन सी रेशियो है? फिक्स्ड रेशियो है, वो क्या है? H/O = 1:8। ये मास आपको याद रखने पड़ेंगे बेसिक से, ठीक है? तो ये फिक्स्ड रेशियो क्या आएगी बेटा? 1:8 आएगी। क्या आएगी? 1:8 आएगी, ठीक है? तो अब ये क्या है बेटा? ये हर कंपाउंड को फॉलो, जहां से भी आप वाटर ऑब्टेन करोगे उसमें जो वाटर की कंपोजिशन है, हाइड्रोजन 1 पार्ट मिलेगा, ऑक्सीजन 8 पार्ट मिलेगा। यही लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहता है, यही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है बेटा? कहता है, ठीक है? इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
ठीक है बेटा जी, इस लॉ का क्या मतलब है? ठीक है, इस लॉ का यही मतलब है, ठीक है, आपके घर में एक नियम है, ठीक है, वो नियम क्या है? एक रोटी खानी है, 8 घंटे काम करना है, दैट्स इट, और ये फॉलो करना ही पड़ेगा। मान लो कोई आपके घर में स्ट्रिक्ट है तो ये रूल आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो वाटर के केस में ये एक फिक्स है कि हाइड्रोजन अगर 1 पार्ट है तो उसकी पैरेलली ऑक्सीजन 8 पार्ट मिलेगी, उसकी पैरेलली ऑक्सीजन 8 पार्ट मिलेगी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हाइड्रोजन तो 1 ग्राम ही मिलेगी और ऑक्सीजन 8 ग्राम ही मिलेगी, ये जरूरी नहीं है। ठीक है बेटा, परसेंटेज वाइज वो इक्वल रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे। हाइड्रोजन अगर 1 पार्ट है तो आपको जो ऑक्सीजन है वो 8 पार्ट ही मिलेगी, यानी कि आपके वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, आपके वाटर के अंदर ऑक्सीजन 8 टाइम्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, डेफिनेशन में बाद में बताऊंगा, ठीक है, खुद ही तब तक आपके दिमाग में डेफिनेशन आ जाएगी, इसकी डेफिनेशन ही होने वाली है। ठीक है, तो ये देखो बेटा 1:8, ठीक है, मेरे पास वाटर है, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, मेरे पास क्या है? वाटर है, ठीक है, और ये वाटर है, इसमें जो हाइड्रोजन है वो है 9 ग्राम, कितने ग्राम? 9 ग्राम। मेरे पास वाटर है, उसमें हाइड्रोजन क्या है बेटा? 9 ग्राम। कहते ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी होगी, ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी होगी? तो अपन कैसे करें? ठीक है, हमें पता है वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की जो रेशियो है किस में? आपके वाटर में, वो फिक्स रहती है, दैट इज 1:8। ठीक है, जो फिक्स रेशियो है वो क्या है बेटा? 1:8 है। ठीक है, कितनी है बेटा? 1:8, ये तो हमें पता है। ठीक है, अब कहते हैं हाइड्रोजन 9 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना होगा? ठीक है, तो इसको कैसे करें? वन इज टू एट इज इक्वल टू हाइड्रोजन कितना कर दिया? 9 ग्राम। कितना कर दिया? 9 ग्राम। ऑक्सीजन हमें फाइंड आउट करना है, लेट अस इट सपोज एज एक्स। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिंपल, बिना क्रॉस मल्टीप्लाई भी डायरेक्ट भी उससे कर सकते हो ना। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आनी, आप सबको पता है कितनी आएगी बेटा? 72 ग्राम आएगी। कितने ग्राम आएगी बेटा? 72 ग्राम आएगी। अब इसमें देखो रेशियो फिक्स है, ऑब्वियसली रेशियो फिक्स है, दैट इज 1:8। रेशियो फिक्स रहनी चाहिए किसकी? मास की। ये है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी बोल देते हैं। नाउ आगे मूव करते हैं बेटा और एक और डिस्कशन करते हैं। मैंने वाटर ऑब्टेन कर लिया, मेरे पास वाटर 100 ग्राम है, लो जी ये कर दिया डिसाइड कि वाटर हमारे पास क्या है बेटा? 100 ग्राम है। क्या है? 100 ग्राम है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन कितना होगा, ऑक्सीजन कितना होगा? इसमें हाइड्रोजन कितना होगा, ऑक्सीजन कितना होगा? और ये आपको पता है एक फिक्स्ड रेशियो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की। ठीक है, 8:1 नहीं लिख देना, जो एलिमेंट पहले आता है कंपाउंड में उसको पहले लिखना है, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखना है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की फिक्स रेशियो क्या है बेटा? 1:8। क्या है? 1:8। तो यहां से अपन को क्या कह, वाटर आपके पास है 100 ग्राम, कितने ग्राम? 100 ग्राम। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कितना है? ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की रेशियो कितनी है? 1:8। ठीक है, अगर, ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन को एक्स मान लूं, ठीक है, तो ऑक्सीजन उसका कितना होगा? 8x, यही मतलब है ना। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन को एक्स मान लूं तो ऑक्सीजन उसका कितना होगा बेटा? 8x होगा। कितना होगा? 8x। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज 8 टाइम्स एज दैट ऑफ हाइड्रोजन, आई ऑलरेडी हैज डिस्कस्ड अबाउट दैट। ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो 8 टाइम है किसका बेटा? हाइड्रोजन का। ठीक है, तो इसको जब ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आ गया? 100 ग्राम।
क्या आ गया बेटा 100 ग्राम। ठीक है, अब x क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन है, और 8x क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन है। 8x क्या है बेटा यहाँ पे, ऑक्सीजन है। तो मेरे पास क्या ऑप्टेन होगा, 9x इज इक्वल टू 100 ग्राम, 9x इज इक्वल टू 100 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, x 100 अपॉन 9। ठीक है, तो 99 कहाँ पे आएगा, 11 पे आएगा। ठीक है, तो ये नियरली आ जाएगा 11.1111 ग्राम। कितना आ जाएगा बेटा, 11.1111 ग्राम। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेट करना क्या करना है बेटा, हाइड्रोजन कितना होगा एंड ऑक्सीजन कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है। बट x से हमें क्या पता लगा है, x से हमें मेरे हाइड्रोजन पता लगा है, क्या पता लगा है, हाइड्रोजन पता लगा है। ठीक है, तो x क्या है, 11.1111 ग्राम, यानी कि हाइड्रोजन कितना है, 11.1111 ग्राम। एंड वी नो ऑक्सीजन इज 8 times हायर देन दिस, ऑक्सीजन कितने टाइम ज्यादा है बेटा, 8 times ज्यादा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का मास क्या होगा, 8x के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा बेटा, 8x के इक्वल होगा। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, 8 into 11.11 11। ठीक है, तो ये आ जाएगा 88.88। ठीक है, तो दोनों को ऐड करोगे 99.99 आ जाएगा, ये एक्चुअली आगे चलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं तो अपन। ठीक है, तो दोनों को ऐड करोगे 100 के नियरली इक्वल आ जाएगा, एग्जैक्टली 100 तो नहीं, 100 के क्या है बेटा, नियरली इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ऑक्सीजन का मास है, किसका मास है बेटा, ऑक्सीजन का मास है। ठीक है, अब अमोनिया का केस डिस्कस कर लो, कार्बन डाइऑक्साइड का केस डिस्कस कर लो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन का मास है 14 यू। ठीक है, हाइड्रोजन का मास कितना है बेटा, 1 का 1 यू, 3 का कितना हो गया, 3 यू। ठीक है, तो आपको रेशियो क्या मिलने वाली है, 14:3 मिलने वाली है। कई मेरे जैसे ऐसे होते हैं, यहाँ पे तो छोटा नंबर ऊपर लिखा था, आपको नंबर वही ऊपर लिखना है जो एलिमेंट पहले आ रहा है, आपको नंबर वही ऊपर लिखना है जो एलिमेंट क्या आ रहा है बेटा, पहले आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेशियो अटेनेबल कितनी होगी, 14:3 अटेनेबल होगी। यहाँ पे आपको रेशियो अटेनेबल कितनी होगी बेटा, 14:3 अटेनेबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ कोई, ठीक है, कि हाइड्रोजन अगर आपके पास 6 ग्राम है या 6 यू है, ठीक है, तो आपके पास नाइट्रोजन कितना होगा, आपके पास नाइट्रोजन कितना होगा, तो आप सिंपली कर सकते हो कैसे। ठीक है, ये 6 दे दिया, ये x दे दिया, ठीक है, तो कर लो, सॉरी, तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, 28 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28 ग्राम आपके पास नाइट्रोजन अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, यू कैन इजीली डू। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का केस डिस्कस कर लो। ठीक है, तो रेशियो क्या रहेगी, कार्बन का मास 12 u, ऑक्सीजन का 1 का मास कितना होगा बेटा, ठीक है, 1 का मास 16, तो 2 का 32, तो टोटल कितना होता है इसका, 48, कितना होता है बेटा, 48। ठीक है, तो फिक्स्ड रेशियो क्या आएगी, फिक्स रेशियो आएगी बेटा 12 upon 32, दैट इज इक्वल टू 3:8, क्या आएगी बेटा, 3:8। अगर मैं ये कह दूं कि आपके पास कार्बन 300 ग्राम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन कितने ग्राम मिलेगा बेटा, 800 ग्राम मिलेगा। कितने ग्राम मिलेगा, 800 ग्राम मिलेगा। तो ये कौन सा लॉ है बेटा, ये है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब इसी से मैं इसको डिफाइन कर दूं, कैसे, डेफिनेशन क्या है इसकी। अब कहोगे सर आप उल्टे हो क्या, हाँ जी, अब आपको डेफिनेशन बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। बेटा जब एलिमेंट कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, दे डू इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, they do in fixed proportion by mass. When elements, yeah, different elements combine to form compounds, particular compound, when different element combine to form particular compound, they always do so in fixed proportion by mass,
फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। जब डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करके एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनाते हैं, डिफरेंट एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, पर्टिकुलर कंपाउंड बनता है, क्या बनता है, वाटर बनता है। दे ऑलवेज डू सो, वो जो एलिमेंट्स हैं ऐसा हमेशा एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में करते हैं, दैट इज 1/8 जो अपन ने डिस्कस कर लिया है ना, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का केस है तो 3/8, अमोनिया का केस है तो 14/3, ठीक है। जब डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन किए, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंपाउंड बना अमोनिया, दे ऑलवेज डू सो, ये हमेशा कैसे करेंगे, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में करेंगे, ये हमेशा कैसे करेंगे बेटा, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अगले लॉज डिस्कस करेंगे, साथ में इसके कुछ एक न्यूमेरिकल्स और करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।